और रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन जंग अब बहुत ही भयानक दौर में पहुंच चुकी है। हालात तो ये हो गए हैं कि यूक्रेन 14 महीने बाद भी रूस को हरा नहीं पाया है। ऐसे हालात में अमेरिका और नेटो ने पोलैंड की तरफ से रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर पुतिन ने साफ कह दिया है कि अब यूरोप से लेकर अमेरिका तक भयानक जंग होकर रहेगी। क्या पोलैंड की जमीन से नेटो के सभी 30 देश रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू कर चुके हैं? रूस की खुफिया एजेंसियां क्यों दावा कर रही कि अमेरिका ने पोलैंड में गुप्त तरीके से अपनी फौज और घातक हथियार पहुंचा दिए हैं? क्या अब अमेरिका रूस पर सीधा हमला करने जा रहा है? पिछले 24 घंटे से राष्ट्रपति जेलेंस्की ये दबाव क्यों बना रहे हैं कि अगर एक हफ्ते के अंदर रूस को पूर्वी यूक्रेन से नहीं खदेड़ा गया तो फिर रूस को नेटो के 31 देश मिलकर भी हरा नहीं पाएंगे? क्या पुतिन के सबसे घातक हथियार पूर्वी यूक्रेन में पहुंच चुके हैं? खुफिया एजेंसियों से जो खबर मिल रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि पोलैंड की जमीन से रूस के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि अमेरिका के टॉप टीम जर्नल इस वक्त पोलैंड में मौजूद है, जो रूस और पोलैंड सीमा पर अमेरिका की सैनिकों को खास मोर्चों से हमला करने के लिए तैयार कर चुके हैं। जानकारों के मुताबिक अमेरिका और नेटो के सामने अब करो या मरो वाली स्थिति आ चुकी है। पहले आप ये देख लीजिए कि पोलैंड की जमीन से रूस पर हमला करने के लिए अमेरिका के कितने सैनिक और हथियार पहुंच चुके हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि पुतिन से यूक्रेन, अमेरिका और नेटो इतना ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं कि उन्हें रूस पर हमला करने के लिए पोलैंड में नेटो और अमेरिकी फौजों को भेजना पड़ा है। जरा देखिए, दावों के मुताबिक अब यूक्रेन की जंग पोलैंड की जमीन से शुरू हो चुकी है। नेटो के 31 देशों के हजारों हथियार और सैनिक पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड के 3 लाख सैनिक रूस से लगती सरहद पर मोर्चा खोल चुके हैं, जबकि अमेरिका की पहली बटालियन 8वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 3री आर्मर्ड ब्रिगेड कॉम्बेट टीम और 4थी इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिक पोलैंड में रूस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के सैनिक और घातक हथियार पोलैंड की सीमा से रूस की सीमा में घुसकर हमला करने जा रहे हैं। पोलैंड इस वक्त यूक्रेन को बचाने का कमांड सेंटर बन चुका है। असल में यूक्रेन में हर तरफ पुतिन के जासूस पल पल की जानकारी रूस तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से पुतिन अपने जर्नलों से ऐसे हमले यूक्रेन पर करवा रहे हैं कि यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा है। यहां तक कि अमेरिका, जर्मनी और नेटो के 31 देशों के सैकड़ों सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन उसके बाद भी रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। Preparing will be strong on the battlefield, will deoccupy our land, and it's so difficult to say how it will be and when it will be. I can't give you very concrete things because we don't want to give any possibility for terrorists from. अमेरिका की अगुवाई में नेटो देश शुरू से ही यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसने रूस को परेशान भी किया है। लेकिन अब खबर यह है कि नेटो देश ने पुतिन को हराने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है, लेकिन सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच यूक्रेन अकेले पुतिन के गुस्से का सामना कर रहा है और 14 महीनों में बड़ा नुकसान झेल चुका है। अब सवाल उठता है कि जब रूस पूर्वी यूक्रेन को कब्रिस्तान बना रहा है, तो फिर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और ब्रिटेन समेत नेटो के 31 देश यूक्रेन की मौत का तमाशा क्यों देख रहे हैं? कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देश बहुत बड़ा वॉर प्लान चला रहे हैं।
नेटो को लगता है कि अगर रूस की 5 लाख सेना यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करे तो रूस को कब्जे वाले इलाकों को ज्यादा हथियारों को सभी मोर्चों पर तैनात करना होगा, और जैसे ही रूस ऐसा करेगा रूस सभी मोर्चों से यूक्रेन पर लगातार घातक हमले नहीं कर पाएगा। इस बीच नेटो अपने घातक हथियारों को यूक्रेन पहुंचा देगा और रूस पर चुन चुन कर हमला करेगा ताकि बहुत बड़े इलाके में फैली रूसी फौज को बचने का मौका ना मिले। अमेरिका के पेंटागन में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि नेटो यूक्रेन में रूस के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। जरा देखिए अमेरिका की लीक रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। अमेरिका के पेंटागन में लीक हुई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में रूस के खिलाफ जंग करने के लिए नेटो देशों का बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 23 मार्च 2023 की इस रिपोर्ट में अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन से रूस के खिलाफ 5 नेटो देश जंग में कूद पड़े हैं। अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, लात्विया और द नेदरलैंड्स ने हमले शुरू कर दिए हैं। दावों के मुताबिक नेटो के 5 देश रूस के खिलाफ यूक्रेन और पोलैंड की जमीन से रूस पर हमले कर रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो और पश्चिमी देश अभी छिपकर वार कर रहे हैं, लेकिन रूस शुरू से ही कह रहा है कि यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी समेत नेटो के 31 देश युद्ध करवा रहे हैं। पुतिन के बेहद करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि यूक्रेन के बहाने नेटो रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। Если этого окажется недостаточно, ну тогда уже принимать какие-то иные решения. Тут нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит надо идти до Львова для того, чтобы истребить эту заразу. Report के मुताबिक NATO देशों की special force के commander और commando रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं। पेंटागन में लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की स्पेशल फोर्स के 50 कमांडो और अफसर रूस के खिलाफ जंग कर रहे हैं, जबकि नेटो देश लात्विया की स्पेशल फोर्स के 17 कमांडो रूस के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। वहीं फ्रांस की स्पेशल फोर्स के 15 कमांडो यूक्रेन की तरफ से जंग कर रहे हैं। अमेरिका ने रूस से लड़ने के लिए अपने स्पेशल फोर्स के सबसे माहिर 14 कमांडो को रूस भेजा हुआ है, जबकि द नेदरलैंड्स की तरफ से स्पेशल फोर्स का बेहद माहिर और खतरनाक एक कमांडर रूस के खिलाफ जंग में उतर चुका है। जबकि रूस का दावा है कि उसके खिलाफ नेटो और पश्चिमी देशों के 500 अफसर यूक्रेन में जंग कर रहे हैं। अमेरिका के लीक डॉक्यूमेंट में ये नहीं बताया गया है कि नेटो की स्पेशल फोर्स रूस के खिलाफ किन मोर्चों पर जंग कर रही है। Устранить годами создававшиеся натовцами угрозы нашей безопасности непосредственно на наших границах и защитить людей, которых лишили провозглашенных многосторонними конвенциями прав, защитить их от публично заявленных киевским режимом прямых угроз истребления и изгнания с территории, где столетиями жили их предки. Мы честно сказали, за что и за кого воюем.